अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेवन, इसके जो मैथ की बुक है मेकिंग मैथ इजी, ग्रेड सेवन। आज इसका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है, जिसमें स्क्वायर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। पहले स्केयर क्या होते हैं? जी बेटा, डिफाइन द परफेक्ट स्केयर। ठीक है, तो आपने अपने माइंड में एक चीज रखनी होती है कि होल नंबर्स हैं, तो होल नंबर के साथ फिर आप परफेक्ट स्केयर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो होल नंबर्स जो होते हैं इनको एक टेबल से हम शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद इनका रिजल्ट, इसके बाद ये भी यहाँ पे आंसर आने का। अच्छा जी, पहला जो होल नंबर है वो हम लेते हैं 0। पहला होल नंबर ले लिया 0। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है? यानी 0 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है पावर 2। ठीक है जी, अब 0 को 2 टाइम लिखकर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर इसका आ जाएगा 0। इस तरह बेटा अब हम 1 का परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, 1 की पावर 2। तो 1 की पावर 2 का मीनिंग है कि 1 को आपने 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 1 ज़ार 1। इसी तरह बेटा 2 की पावर 2, 2 लिख लें, फिर 2 की पावर 2, 2 को 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसी तरह 3 है तो 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 ज़ार 9। इसी तरह 4 है तो 4 की पावर 2, 4 2 टाइम लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया। इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। तो अब आपके पास जो चीज़ आएगी वो आ जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास रिजल्ट के तौर पे आया है, कि 1 की पावर 2 था तो उसका आया था 1, 2 का स्क्वायर था तो इसका आया था 4, 3 का स्क्वायर था तो इसका 9, 4 का स्क्वायर तो इसका आया था 16। इस तरह बआसानी आप मज़ीद परफेक्ट स्क्वायर इसके बना सकेंगे, मज़ीद इसके परफेक्ट स्क्वायर बना रहे। 5 की पावर 2 तो इसका आया 25, 6 की पावर 2 तो इसका आया 36, 7 की पावर 2 तो 7 7 ज़ार 49 इस तरह गिनने, 8 की पावर 2 तो 8 8 ज़ार 64, 9 की पावर 2 तो 9 9 ज़ार 81, और 10 10 ज़ार 100, और 11 11 ज़ार 121। तो ये मज़ीद इससे आगे भी आप इनके परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। जो जिन चीज़ों को दो बार लिखकर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जिन भी डिजिट्स को, तो फिर आपका वो परफेक्ट स्क्वायर बआसानी यहाँ से आ जाएगा। इसमें याद रखिए कि इसमें पावर 2 आएगा आपका, हाँ जी। इसकी ज़रूरत क्यों हमें पड़ती है परफेक्ट स्क्वायर की, इसको अपने माइंड में बिठाने के लिए एक चीज़, मुकम्मल मुरब्बे की तारीफ हम इसे कहते हैं, मुरब्बे कहते हैं पावर 2 को। ठीक है, तो जो होते हैं ना आपके जुफ्त अदाद, ठीक है,
यानी आपके जो हैं इवन नंबर्स, तो उनका हमेशा परफेक्ट स्क्वायर इवन ही आता है, और जो ऑड है ना उनका हमेशा ऑड ही आता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, वन है ये ऑड में कहलाएगा, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वो वन आ रहा है, ठीक है। इस तरह टू पर डिवाइड होने वाला है फोर, ठीक है, तो टू इवन नंबर है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन ही आ रहा है। ये ऑड है तो इसका आंसर भी ऑड है, ये इवन है इसका भी इवन है, तो इसी तरह ये आप इसको सेपरेट भी करते हैं। इसी तरह ताकत आद का मुरबा भी ताकत ही होता है, यानी ऑड जो है उनको उनका आंसर भी ऑड ही कहलाएगा। अच्छा जी, अब आपने ये चीज़ें अपने माइंड में बढ़ा लेनी है कि यहाँ जो भी हमने परफेक्ट स्केल लिए हैं उनमें ये चीज़ें अपने माइंड में बैठा लेंगे, किस तरह आपने स्टार्ट करना है। इसको एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे पहचान सकते हैं कि परफेक्ट स्केल होता क्या है। ये जो अभी हमारे पास आए हैं, पहला जो है वन, ठीक है जी, टू का परफेक्ट स्क्वायर फोर डॉट्स, थ्री का परफेक्ट स्क्वायर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन डॉट्स, इसका मीनिंग है वन मल्टीप्लाई वन, तो इसका आंसर वन था जो यहाँ लिखा गया। इसका मीनिंग है टू मल्टीप्लाई टू, इसका आंसर फोर है जो यहाँ पे लिखा गया। इसका मीनिंग है थ्री मल्टीप्लाई थ्री, इसका आंसर है नाइन जो यहाँ पे लिखा गया। तो ये भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। जी बेटा, यूनिट नंबर फाइव है, इसकी एक्सरसाइज है 5.1, एक्सरसाइज है 5.1, इसका पेज नंबर है 73, ठीक है, और साथ ही हम 74 पे जो इसके क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर फाइव, इसका क्वेश्चन नंबर वन, सीरियल नंबर, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इसके बाद होल नंबर्स हैं, ये बुक में क्वेश्चन नंबर वन के होल नंबर है 7, 15, 23, 16, 34, 62। अब इनको थोड़ा सा यहाँ पे हम मज़ीद कर लेते हैं ताकि आसानी से किया जा सके। होल नंबर के बाद इसके परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा।
अब ये 7 है, अब यहाँ पे इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा और इस जगह पे रिजल्ट सेवन है, तो 7 की पावर 2 यानी ये इसका स्क्वायर है, 15 है तो इसकी पावर 2, 23 है तो इसकी पावर 2, 16 है तो इसकी पावर 2, 34 है तो इसकी पावर 2, 62 है तो इसकी पावर 2। इसका मतलब है 7 को 2 टाइम लिखें, 15 को 2 टाइम लिखें, 23 को 2 टाइम लिखें, 16 को 2 टाइम लिखें, 34 को 2 टाइम लिखें और 62 को भी 2 टाइम लिखें। अब 7 7 are 49, 15 15 are 225, 23 23 is 529, 16 16 are 256, 34 34 are 1156, 62 62 are 3844। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने टेस्ट करके बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, टेस्ट विद द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है जी, अब आपने कैसे यहाँ पे टेस्ट करना है कि फॉर एग्जांपल जो है क्वेश्चन है वो है 42 है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 जो हैं, और इसके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 42 के, वो आपने देखने हैं। यहाँ पे 42 है, 42 के जो प्राइम फैक्टर बन सकते हैं वो क्या क्या हैं। तो प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर्स जो हैं 2 3 7 इसी तरह आगे चलेंगे। 2 के टेबल से 2 2s are 4, 2 1s are 2, अब 3 7s are 21, 7 1s are 7। तो इस तरह बेटा इसके जो प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 इज इक्वल टू 2 × 2 × 7। ठीक है, सिंस प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इज स्केयर। अब यहाँ पे कोई भी स्केयर में तो नहीं ना आ रहा प्राइम फैक्टर, तो इसलिए ये परफेक्ट स्केयर नहीं है, यानी किसी की भी यहाँ पे डबलिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, तो ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। याद रखना है कि ये जो है प्राइम फैक्टर, ये इनके इनको कम से कम ये मैच एक बार हो जाए। अच्छा जी, तो हम अब ये इस तरह हम लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर आर नॉट इन स्केयर, और अगर स्केयर में होगा तो आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर आर इन स्केयर, तो ये स्केयर में कोई नहीं ना आया, तो फिर आप अब लिख देंगे सो 42 इज नॉट परफेक्ट स्केयर।
ये इसका पार्ट नंबर वन हो गया। हाँ जी, इसका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर टू का, वो है 324 है टू के टेबल से पहले। टू वन ज़ार टू, वन कैरी टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, टू टू ज़ार फोर, टू एट ज़ार सिक्सटीन, टू वन ज़ार टू। अब थ्री के टेबल पे, क्योंकि एंड पे देखें ये वन आ रहा है, इसलिए ये थ्री के टेबल। थ्री टू ज़ार सिक्स, टू कैरी, थ्री सेवन ज़ार ट्वेंटी वन, फिर थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री वन ज़ार थ्री। अब ये देखें पेयर बन रहे हैं, ये तो वो बड़ा इजी है, तो आपको आपको पता चल गया कि इसके तो पेयर बन रहे हैं। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं 324 इज परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर टू, इसका जो पार्ट नंबर है थ्री 520। अब इसका जब आपने यहाँ पर फैक्टर बनाए तो टू टू ज़ार फोर, टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व ज़ीरो, टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स ज़ीरो, टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, वन कैरी टू फाइव ज़ार टेन, फाइव वन ज़ार फाइव और वन कैरी फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन, फिर थर्टीन वन ज़ार थर्टीन। अब इसमें देखें एक पेयर ये बन गया, बेशक एक भी पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लें 520 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर है 4, 1156 है। अब इसका आप परफेक्ट स्क्वायर अब आपने लेके आना है, इसमें आपने 1156 टू के टेबल से, टू फाइव ज़ार टेन, वन कैरी हो गया ये 15 बन गया, टू सेवन ज़ार फोर्टीन, फिर वन कैरी, टू एट ज़ार सिक्सटीन, टू टू ज़ार फोर, फिर वन कैरी, टू एट ज़ार सिक्सटीन, फिर वन कैरी, टू नाइन ज़ार एटीन, फिर सेवनटीन, सेवनटीन ज़ार टू हंड्रेड एटी नाइन, फिर सेवनटीन वन ज़ार सेवनटीन, क्योंकि हमने यहाँ स्केयर तो देखें ये बन गया ना, पेयर बन गया। तो 1156 इज अ परफेक्ट स्केयर। वन और टू है, टू फाइव ज़ार टेन, टू वन ज़ार टू। अब थ्री वन ज़ार थ्री, टू कह रही है ट्वेंटी वन बन गया, थ्री सेवन ज़ार ट्वेंटी वन, फिर सेवनटीन वन ज़ार सेवनटीन, कोई भी मैच नहीं कर रहा, टू अगेन टू कोई नहीं है, थ्री अगेन थ्री नहीं है, सेवनटीन, तो ये होगा वन और टू इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाइन हंड्रेड ट्वेंटी एट ले लें,
टू फोर जार एट, वन कैरी टू सिक्स जार ट्वेल्व, टू फोर जार एट, टू टू जार फोर, टू थ्री जार सिक्स, टू टू जार फोर, टू वन जार टू, टू वन जार टू, टू सिक्स जार ट्वेल्व, टू फाइव जार टेन, टू एट जार सिक्सटीन, टू टू जार फोर, टू नाइन, टू जार फोर, टू नाइन जार एटीन, ट्वेंटी नाइन, वन जार ट्वेंटी नाइन। अब यहाँ पर कोई पेयर बन रहा है, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया, तो अब 928 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ अगेन मैं यहाँ से एक बार फिर रिपीट करने लगूँ, इसको थोड़ा सा देखने, छोटी सी मिस्टेक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी का भी अगर पेयर नहीं बनता तो ये तो नॉट बनेगा ना, इस तरह ये सारे मैच हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा गौर करें। 520 इज नॉट आ, क्योंकि अगर एक भी आपका यहाँ पे मैच नहीं ना होता तो इसका मतलब है कि ये नहीं बनेगा। यानी एक भी, अब ये देखें, दो नहीं मैच हो रहा, फिर फाइव भी नहीं हो रहा, थर्टीन भी नहीं हो रहा, ये तो तीन है, तो एक भी नहीं मैच हो रहा तो इसका मतलब है ये यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब ये फोर वाले पे आए, अब ये मैच हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये कोई भी मैच अगेन नहीं है तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अब 928 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अब ये टू भी रह गया, 29 भी रह गया। हाँ जी, 2025 बेटा, 2025 है तो 5 के टेबल से 5 4 जार 20, 0 5 5 जार 25, फिर 5 8 जार 40, 5 1 जार 5, फिर 9 9 जार 81, 9 1 0 9, ये 3 पे भी डिवाइड हो सकता था, फिर हमने यहाँ पे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने इसलिए हमने 9 से डायरेक्ट कर लिया, तो ये इससे मैच हो गया और ये इससे। मैचिंग आपकी अगर कंप्लीट है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर एक भी डिजिट की रह गई है मैचिंग तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरह आपने इसकी मैचिंग को चेक करना, 225 is a perfect square. अब 8 वाला 676, 2 के टेबल से 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, 2 के टेबल से 2 1 2, 1 कैरी 2 6 12, फिर 1 कैरी 2 9 18,
अब इसका परफेक्ट स्क्वायर है 169 का 13 13s are 13 13s are और 13 1s are। अब बेटा ये देखें मैचिंग होगी इनकी आपस में, कोई भी डिजिट आपका ऐसा नहीं रहता जिसको मैच नहीं किया जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। 676 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर और इवन और ऑड नंबर सेपरेटेड देयर विदाउट सॉल्विंग। अब बेटा याद रखें इसका पार्ट वन है 196 है, ठीक है जी। वो कहता है सॉल्विंग के बगैर ही बताना है यहाँ पे कि ये इवन है कि नहीं। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो इवन नंबर पे ये निकलता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर इवन नंबरों में नहीं है ऑड पे है वो भी चेक कर लें यहाँ से, इवन और ऑड नंबर पे ये चेक करना है कि ये है कि नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो ये होगा। जी अब आप क्या करेंगे, वन हंड्रेड नाइन्टी सिक्स तो बेटा ये ना 14 का यानी इसका ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना, यानी 14 × 14 = 196। तो ये इवन है, 14 भी इवन है, तो फिर इसी तरह इसको आप लिखेंगे द परफेक्ट स्क्वायर एन इवन नंबर इवन, ठीक है। तो 196 इवन नंबर है, ठीक है जी। इसी तरह आप लास्ट के डिजिट से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 6 है, ठीक है जी। लास्ट तो अब ये इवन नंबर है तो इसलिए इसका ये इवन आप लिख देंगे। इसी तरह 529 सिंस डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज 9, ठीक है। तो अब ये 9 है तो इसी तरह अब इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 8 नंबर होगा। 529 का जो है वो ऑड नंबर है। इसी तरह बेटा 441 तो लास्ट पे क्या आ रहा है 1, तो इस तरह 441 का जो है ऑड नंबर ये है। इसी तरह बेटा 2304 तो एंड पे 4 है तो ये इवन है कि ऑड नंबर है, हाँ जी ये इवन नंबर है। तो इस तरह 2304 का आपका आ जाएगा इज इवन नंबर है इसके परफेक्ट से। इसी तरह 5 वाले का पार्ट 5 का एंड पे 1 है तो
इस तरह 1521 इज ऑड नंबर, टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर है सिक्स वाला, तो एंड पे डिजिट फोर है, तो ये 2704 इज इवन नंबर। सेवन वाला जो है ये 900 है, तो जिसके भी एंड पे जीरो आ जाएगा बेटा वो इवन नंबर होता है, ये याद रखना। तो 900 इज इवन नंबर, 3481 एट वाला है, एंड पे वन है, तो फिर 3481 जो है बेटा वो ऑड नंबर है। इस तरह विदाउट सॉल्विंग आपने पता चलाना कि 3/4 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 1 है 3/4, ठीक है। अब वो कहता है कि इसका आपने पता चलना है इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, सो स्क्वायर इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन अ फ्रैक्शन, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। किस तरह है प्रॉपर फ्रैक्शन, स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन टी एच ए एन वाला देन है, इज लेस देन अ फ्रैक्शन। अगर ऊपर छोटी रकम होगी तो आप इधर लेस देन लिखेंगे, ठीक है जी। इस तरह फिर ये क्या कहलाएगा, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी फिर ये, इस तरह लिखें 0.14, तो अब इसका जब आपने पॉइंट ख़त्म किया तो 14/100 आ गया। अब इसमें भी ये चीज़ है कि लेस देन फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर छोटी रकम है, ठीक है, तो इसका भी आप लिखेंगे इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह ही 0.07, तो 7 आया नीचे 100 आ गया, इसका भी आप लिखेंगे कि लेस देन अ फ्रैक्शन, तो इसका भी इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। वन पॉइंट एट है, बेटा अब इसका पॉइंट ख़त्म किया तो इसके नीचे 10 आ गया, अब ये बड़ी रकम है, ठीक है। ऊपर अब आप लिखेंगे कि 18/10 इट इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक हो गया। सो स्क्वायर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन अ फ्रैक्शन, सॉरी ग्रेटर देन अ फ्रैक्शन, यहां पे अब लफ्ज ग्रेट आ जाएगा, लेस नहीं ग्रेटर,
ग्रेटर ग्रेटर देन डिफरेंशियल 8/5 अब इसका भी बेटा आप इसी तरह लिखेंगे कि इट इज नॉट परफेक्ट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन सो स्क्वायर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन अ फ्रैक्शन इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है अब 1/5 है तो 1/5 का आपने किस तरह करना है कि 1/ यहाँ पे 1^2 5^2 इसका मीनिंग है 1 × 1 और 5 × 5 1 × 1 = 1 और 5 × 5 = 25 ठीक है अब आपने लिखना है 1/5 ग्रेटर देन 1/25 ये हो गया इसका पहला पार्ट अब दूसरा पार्ट है इसका उसमें 2/7 अब ये आएगा 2/7^2 तो 2×2 = 4 × 7 = 49 अब लिखेंगे आप ओवर 7 इज ग्रेटर देन 4/49 5/8 इस तरह 5/8^2 5×5 = 25 8×8 = 64 इसी तरह 5/8 इज ग्रेटर देन 25/64 1/9 1/9^2 1 × 1 = 1 9 × 9 = 81 इसी तरह 1/9 इज ग्रेटर देन 1/81 अच्छा जी ट्वेल्व ओवर थर्टीन की पावर टू 12 × 12 = 144 और 13 × 13 = 169 12/13 इज ग्रेटर देन 144/169 इस तरह 3/4 3/4 की पावर 2 9/16 3/4 इज ग्रेटर देन 9/16 अच्छा जी 6/7 6/7 की पावर 2 6 × 36 = 7 × 49 6/7 इज ग्रेटर देन 36/49 2/13 2/13 की पावर 2 2×2 = 4 13 × 13 = 169 2/13 इज ग्रेटर देन 4/169 ये लास्ट क्वेश्चन है बस 6
0.4 मल्टीप्लाई 0.4 0.16। अब आपने 0.64 इज 0.13 इज इक्वल टू 0.13 मल्टीप्लाई 0.13 और इसका आंसर है 0.0169। अब 0.13 इज ग्रेटर दैन 0.0169। 0.06 इज इक्वल टू 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 और इसका फिर आंसर आ गया 0.0036। अब 0.06 0.0036 अब ये इसका ग्रेटर हो गया। जीरो पॉइंट ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट ट्वेंटी सेवन अब 0.0729 0.0729 ये इसका ग्रेटर हो गया, बड़ा हो गया। 0.021 मल्टीप्लाई 0.021 तो इसका आंसर आ गया 0.000441। इस तरह 0.021 इज ग्रेटर देन 0.0004441। जी इसी तरह बेटा 0.08 इज इक्वल टू 0.08 मल्टीप्लाई 0.08 क्योंकि प्रोफेक्स क्या ले रहे हैं तो इसका 0.0064 0.08 ग्रेटर देन 0.0064 इस तरह 0.25 इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 इज इक्वल टू 0.0625 0.25 इज ग्रेटर देन 0.0625 और लास्ट पे 0.52 मल्टीप्लाई 0.52 इज इक्वल टू 0.2704 0.52 इज ग्रेटर देन 0.2704 तो इस तरह बेटा ये कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।